राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा का सैनिटाइजेशन अभियान एक बार फिर से जिला हमीरपुर में शुरू हो गया है। बमसन तहसील की गवारड़ो पंचायत के गांव लोहाखर के एक ही परिवार के 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लोगों ने डोगरा को याद किया और करवा चौथ के दिन डोगरा ने पॉजिटिव परिवार के घर तथा लोहाखर गाँव को सैनिटाइजर किया, जहां पर उहर पीएचसी के मेल हेल्थ वर्कर अजय कुमार तथा निरीक्षक मदन लाल भी डोगरा के साथ मौजूद रहे। इसके बाद सुजानपुर तहसील के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंदड़ू को भी डोगरा ने स्वयं सैनिटाइजर किया। डोगरा ने जंदड़ू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मास्क भेंट किए और 1 फुट पैडल हैंड सैनिटाइजेशन विद्यालय में स्थापित भी किया। इसके साथ साथ रिफिल पैक, सैनिटाइजर व स्प्रे की मशीन भी विद्यालय प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा हेतु भेंट स्वरूप दी है। डोगरा ने पत्रकारों को बताया कि खेल मंडल जंदड़ू तथा विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें बताया कि जंदड़ू विद्यालय में बच्चों का आना शुरू हो गया है, इसलिए समाज सेवा के तहत उन्होंने विद्यालय जाकर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया ताकि अन्य बच्चों को भी स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जा सके। डोगरा ने जानकारी देते हुए कहा कि जंदड़ू विद्यालय में तकरीबन 60-70 बच्चों ने आना शुरू कर दिया है और बच्चों ने उन्हें बताया कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, इसलिए तय मानकों के अनुसार वे स्वयं मास्क, सैनिटाइजर तथा उचित दूरी की पालना करते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें स्कूल प्रबंधन शिक्षकों को उन्हें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बताते चलें कि इससे पहले रविंदर सिंह डोगरा ने टोनी देवी, उहुल कक्कड़ तथा चोरी के विद्यालयों को सैनिटाइजर किया है और सभी जगह पर कोरोना से बचाव के लिए पूरी सामग्री भेंट की थी। जंदड़ू विद्यालय में सैनिटाइजेशन के अवसर पर प्रिंसिपल ओमकार सिंह तथा विद्यालय के पूरे स्टाफ के साथ साथ लवकेश कुमार, सचिन राणा भी डोगरा के साथ साथ रहे। डोगरा के सैनिटाइजेशन अभियान के लिए विद्यालय प्रबंधन व बच्चों ने उनका धन्यवाद किया। आज हमने सुजानपुर तहसील के अंतर्गत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जंदड़ू को सैनिटाइज किया है, जहां पे 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र पढ़ने के लिए आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले जब ये स्कूल शुरू हुआ था तो तकरीबन 35 से 40 बच्चे यहां पे आ रहे थे और आज हम यहां सैनिटाइजेशन का काम करने आए हैं तो लगभग 60 बच्चे आज यहां पे उपस्थित हैं, जो कि कहते हैं कि हमें पढ़ना है रेगुलर स्कूल आके। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सैनिटाइजेशन अभियान के बाद जो स्कूल के पूरी स्ट्रेंथ है बच्चों की, 150 बच्चा है जो कि लगभग ऐसा प्रशासन ने बताया है, तो सारे आना शुरू करेंगे। हमारा लोगों से यही कहना है कि सैनिटाइजेशन अभियान में हमारा सहयोग लें और अपने बच्चों को एहतियात के साथ स्कूल में भेजें।